अगली खबर आ रही है भिंड से, जहां पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में दिख रही है। जिले भर में शराब को लेकर सख्ती बरती जा रही है। होटल व ढाबों पर रात के समय शराब की तलाशी ली गई। भिंड पुलिस ने रात में होटल ढाबे खंगाले, वहीं दिन में सड़क पर उतरकर हेलमेट अभियान चलाया। पुलिस की सख्ती से जिले की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। भिंड SP शैलेंद्र सिंह चौहान ने जिले के हर थाना क्षेत्र में शराब पकड़ो अभियान चलाया है। जिले की हर थाना पुलिस ने अवैध शराब के धंधे करने वालों को टारगेट पर लिया है। मेहगांव थाना पुलिस ने NH-719 पर हाईवे पर स्थित ढाबों पर शराब को तलाशा। इधर गोरमी थाना पुलिस ने महाढ़न गांव से अवैध शराब का कारखाना पकड़ा। पिछले दो दिन में 1 लाख कीमत से ज्यादा की शराब जिले भर में जब्त की जा चुकी है। भिंड सिटी ने हेलमेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। यातायात प्रभारी रणजीत सिकरवार के मुताबिक बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी किया गया है। ये अभियान अटेर रोड, पुराना रेलवे स्टेशन, सुभाष चौराहा, इंदिरा गांधी चौराहा पर चलाया गया। 6 अक्टूबर से आज दिनांक तक चलाए जा रहे विशेष अभियान में हेलमेट ना पहनने वालों पर लगातार चालानी कार्यवाही की जा रही है और बाइक चालकों को समझाइश भी दी जा रही है। जिले में यातायात पुलिस द्वारा 6 अक्टूबर से आज दिनांक तक करीब 350 चालान काटे गए हैं। चालानी कार्यवाही देहात पुलिस थाने में कुल 7, लहार में 27, रौन में 24, असबार में 12, दबोह में 12, आलमपुर में 11, रावतपुर में 22, मिहोना में 13, नयागांव में 5, उमरी में 9, बरोही में 3, भरौली में 6, अटेर में 2, कूप में 3, मालनपुर में 19, एंडोरी में 11 समेत कुल लगभग 350 चालान काटे गए, जिनसे 90,000 रुपए के लगभग का राजस्व वसूला गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय, भिंड के निर्देश में हम थाना मेगा अंतर्गत NH-92 के जितने भी इसके ढाबे हैं उनको चेक किया जा रहा है। किसी प्रकार की अवैध शराब न पिलाई जाए न यहाँ से बिक्री की जाए, इसी के आधार पर हम सारे होटल और ढाबे चेक किए जा रहे हैं। और होटल वालों, संचालकों को सभी को हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार से कोई यदि अवैध शराब पीने आता है तो उसको मना कर दिया जाए, किसी प्रकार का भोजन वगैरह ना दिया जाए, तो इसी प्रकार किसी प्रकार की अवैध बिक्री भी वो लोग ना करें।